हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बड़ी फेमस लाइन है जो आप सब ने सुनी होगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए हमको साथियों हार नहीं मानना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, हम बात कर रहे थे वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोगों ने कल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। आज उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या आगे पूछने की संभावना है। साथियों, हम यहाँ पे वही क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, जो पूछे गए हैं। आप तो जानते ही हैं कि यूपी के एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो हम ये सीधे लूसेंट और एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कहीं मत जाइएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। वहां पे टेलीग्राम पे अन्य नोट्स चला जाता है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। क्विज भी वहां पे आता है, आप वहां से क्विज लगा सकते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया साइट से जरूर जुड़ें। साथियों, आइए चलते हैं, देखते हैं वैदिक काल। कल हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने ऋग्वेद को पढ़ा था और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीन वेद को पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि ऋग्वेद में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देख लिया था, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कल हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। वही देख लेते हैं कि ऋग्वेद में किसका कितना उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में ये सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? देखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? आप तो ये बताइए कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है? एक बार और सुन लीजिए, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है? कमेंट करके आप बताइए। तो सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है ऋग्वेद में? तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। ठीक। और वहीं ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार आया है? तो गंगा नदी का उल्लेख एक बार आया है। गंगा नदी का उल्लेख एक बार, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? तो एक बार। और वहीं पे यमुना नदी, जो गंगा की सहायक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, उसका उल्लेख कितनी बार आया है? तो देखिएगा, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? तो तीन बार यमुना नदी का उल्लेख आया है। और सबसे ज्यादा ये नदी का उल्लेख, किस नदी का उल्लेख है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार है। तो देखिएगा, सर्वाधिक उल्लेख नदी में किसका है? तो सिंधु नदी का। ठीक, ये तो हो गया ऋग्वेद से क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं जो अन्य तीन वेद हैं
कौन कौन से तीन वेद हैं? तो यजुर्वेद है, सामवेद है और कौन सा अथर्ववेद है। इन तीनों से देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो देख लीजिएगा कि ऋग्वेद के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद से ये पूछ लेता है कि इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधियों का उल्लेख मिलता है। इसका इसके नाम से ही स्पष्ट है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ, ज को आप जानते ही हैं कि य पढ़ा जाता है, तो वहीं से ट्रिक बना लीजिएगा, यज और यज्ञ, ठीक। यज्ञ के नियमों, यज्ञ के नियमों एवं विधियों का उल्लेख है, विधियों का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक। और वहीं सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसको ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत का उल्लेख मिलता है। सामवेद का अर्थ क्या होता है? जैसे सामवेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि गान। देखिएगा, सामवेद, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान, ठीक। इसमें इसको इसको इसका इसमें क्या मिलता है? इसमें गान मिलता है। भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसी को भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसमें गान वगैरह मिलता है। ये क्या लिख रहा है? अरे भोजपुरी गाना नहीं मिलता है इसमें। इसमें तब भोजपुरी था ही नहीं, भोजपुरी तो अब आया, इसमें भोजपुरी गाना नहीं मिलता है। इसमें ये संस्कृत के गाने हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, अब तो ये कौन है भोजपुरी गाना खोज रहा है? इसके लिए ये वाला अगला वाला है, कौन सा? अथर्ववेद, अथर्व, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में ये वही वाला है, ये ऐसा ही वेद ढूंढता है जो कहा है भोजपुरी, ठीक है। इसमें जैसे नहीं देखे होंगे आप लोग बसों में, ट्रेनों में यात्रा करते समय, तो वहाँ चिपका रहता है, किसी को भी अपने बस में करें मात्र 5 मिनट में मिले बंगाली बाबा से, फोन नंबर चार्ट पर दिया रहता है सब, तो वही वाला है ये। इसमें क्या होता है, अथर्ववेद में क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। इसको लिखा किसी ने? तो अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा था, अथर्वा ऋषि ने, अथर्वा ऋषि ने। और इसमें 731 मंत्रों का उल्लेख है, इतना जान लेते पहले। अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा था, ठीक। और इसमें 731 मंत्रों का, 731 मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है। इसके साथ साथ यह इसमें क्या होता है, इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, वशीकरण सब इसी में आ जाता है। क्या क्या? चिकित्सा, चिकित्सा, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, ठीक। और वशीकरण, किसी को वश में करना है तो इसी का भाई सहारा ले ले। आजकल के जनरेशन करना ही चाह रहे हैं वश में, कि चाह रहे हैं कि 5 मिनट में हमारे बस में आ जाए, बंगाली बाबा से मिल लो, जो बस में ये चिपका रहता है
तो देख लीजिएगा, अथर्ववेद में चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख है। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। साथियों, कल हम लोग आर्यों के बारे में जाने थे, आर्यों के बारे में कुछ और जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ होता है। क्या? आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। संस्कृत इनकी भाषा थी। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य को मतलब आर्य की भाषा संस्कृत थी और आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। देखिएगा कि आर्यों के आने के मत में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि ये यहाँ से आए थे, ये यहाँ से आए थे, लेकिन तीन लोगों का मत ये एग्जाम में पूछा गया है कि इनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैक्स मूलर ने क्या कहा था। वैसे तो मध्य एशिया ही माना जाता है, लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर ने कहा था कि यह मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और वहीं दयानंद सरस्वती ने कहा था कि सर से आए थे। सर से मतलब का तिब्बत से आए थे। कहां है? भारत के सर्वत्र है। दयानंद, ये लोग बैठ के बस यह करते थे, दयानंद सरस्वती, केवल जीके बढ़ाए हैं। कहां से ये बताए थे? तिब्बत से। तिब्बत से। और बाल गंगाधर तिलक, इनके अनुसार भी पूछ चुका है कि मतलब इनके अनुसार आर्य कहां से आए थे। तो ई तो औरो थे, बाल गंगाधर, ई कह दिया कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। लो जाके खोजा, बाल गंगाधर तिलक, इनके अनुसार कहां से आए थे? तो उत्तरी ध्रुव से। ये तीन लोगों के अनुसार पूछ चुका है ये एग्जाम में, ठीक। इनकी भाषा भी पूछ चुका है, संस्कृत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और इनके अनुसार मतलब इन लोगों के अनुसार आर्य कहाँ, और आर्य आए थे तो सबसे पहले कहाँ आके बसे थे वो? तो देखिएगा, वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आ करके बसे थे। तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। पंजाब और अफगानिस्तान से आकर के बसे थे, ठीक। कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। आइए कुछ और भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देख लीजिएगा, आर्यों के बारे में कुछ और क्वेश्चन की, आर्य सबसे पहले कौन सी धातु खोजे थे? तो आर्य सबसे पहले लोहा, आर्य, इनको लोहा नहीं कहा जाता था, सबसे पहले खोजी गई
आर्यों की सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? धातु तो लोहा थी। इसको क्या कहा जाता था? तो इसको श्याम अयस्क कहा जाता था। क्या? श्याम अयस्क, श्याम अयस्क। वहीं तांबे को क्या कहा जाता था? तो तांबे को लिख लीजिएगा, तांबे को क्या कहा जाता था? तो तांबे को लौह अयस्क कहा जाता था, लोहित अयस्क। क्या? लोहित अयस्क, ठीक है। ये तो हो गया। अब देख लेते हैं कि मतलब ये मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता के लिए ये किसकी पूजा करते थे? तो अग्नि की पूजा करते थे। जैसे आर्य लोग कोई भी कार्य होता था तो अग्नि की पूजा करते थे भगवान में। यहां आर्य क्या करते थे? अग्नि की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि ये अब उत्तर वैदिक काल से कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये तो हो गया कि ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को भी देख लेते हैं दो मिनट में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तर वैदिक काल से पूछा गया है, ऋग वैदिक काल में इंद्र की लोग पूजा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को मान्यता लोग देने लगे। किसको? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें क्या हुआ? इंद्र के स्थान पर प्रजापति को मान्यता देने लगे लोग, मतलब इनको मानने लगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, इंद्र के स्थान पर किसको मानने लगे? प्रजापति, ठीक। और इसमें राजा लोग होते थे, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था, ठीक। तो नोट करिएगा, राजा का राज्याभिषेक, राजा का राज्याभिषेक के समय क्या होता था? तो राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, ठीक है। और इसमें उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि सिक्कों का प्रचलन था कि नहीं था, तो इसमें देख लीजिएगा, सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था, सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहीं से मतलब उत्तर वैदिक काल से ही जो श्राद्ध का आयोजन प्रथा थी वो यहीं से शुरू हुई, श्राद्ध की प्रथा। श्राद्ध की प्रथा, श्राद्ध की प्रथा यही उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई, उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहीं से उत्तर वैदिक काल से ही पक्की ईंटों का प्रयोग मकानों में होने लगा, मतलब और सबसे पहले कहां हुआ था? कौशाम्बी में सबसे पहले हुआ था, तो पक्की ईंटों का प्रयोग। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पक्की ईंटों का प्रयोग
कब से माना जाता है? तो पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अब देख लेते हैं महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में जान लेते हैं कि भारत में महाकाव्य किसको कहा जाता है। कमेंट करके ये बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसको माना गया है, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य? तो देखिएगा महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से? महाकाव्य दो हैं, एक कौन सा है? तो पहला है महाभारत। पहला कौन सा है? महाभारत। और महाभारत को ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। इसी को विश्व का सबसे बड़ा। और इसका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता, इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। और एक है रामायण। रामायण याद रखिएगा। साथियों, हम लोगों ने वैदिक काल को देख लिया, वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया, ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उत्तर वैदिक काल के भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये देख लिया, आर्यों के बारे में पढ़ लिया, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, बन सकता था, ये दो क्लास में हम लोगों ने इसको पूरा पढ़ लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमारे अभी तक सोशल मीडिया साइट से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। साथियों, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।